नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस गुरुग्राम से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन और सेक्स रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें आमतौर पर लोग आते हैं कि उनका लिंग खड़ा होना बंद हो गया है या लिंग खड़ा नहीं होता। ये प्रॉब्लम, इसका मुख्य रीज़न ये है, प्रॉब्लम कॉमन होने की बजाय ज़्यादा रीज़न ये है कि इसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ या गलत गाइडेंस हमारे देश में हैं। उसका मुख्यतः रीज़न ये है कि जो सेक्स एजुकेशन है यानी यौन शिक्षा, उसके बारे में तवज्जो नहीं दिया जाता, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में और 11th 12th में, इस एज में, टीन एज में पढ़ाया नहीं जाता। और अगर उसमें कोई चैप्टर भी होता है तो वो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उस चैप्टर को ओमिट कर देते हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ाते, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते। ना ही हमारे देश में ऐसा माहौल है कि एक उम्र के बाद बच्चे अपने माँ बाप से डिस्कस कर सकें और ये प्रॉब्लम उनको बता सकें। तो इस कारण से एक बड़ा गलत फहमी का माहौल इसमें रहता है कि ये क्या चीज़ है या इसका क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो आसपास के दोस्त ही होते हैं हमारे। उनको भी, वो भी इतने ही कुएं में होते हैं जितने हम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो अपने आप को थोड़ा नॉलेजेबल दिखाते हैं और वो गलत शलत नॉलेज हमें दे देते हैं। जो शर्मीला इंसान होता है वो कुछ बोल नहीं पाता, बस सुन लेता है, ना ही कहीं जानने के तरीके हैं। YouTube आने से, सोशल मीडिया आने से बहुत से वीडियोस इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वीडियो उस तरह के भी बन गए हैं जो इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक बच्चा जो टीनेज में है, उसको अपने स्कूल से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसको अपने माँ बाप से नहीं मिल रही, दोस्तों से नहीं मिल रही, अखबारों में गलत ऐड होती है, झूला छाप डॉक्टर होते हैं, बचपन की गलतियों से ये कर लो, जापानी तेल लगा लो, और उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया में भी गलत लोग, कोई भी आके कुछ भी वीडियो बना सकता है। हमारे इस चैनल खोलने का मतलब ये है कि साइंटिफिक वे में जो एलोपैथी चाहती है, जो साइंस बोलती है, वही बात आप तक पहुँचाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई आपका कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा ये कि जो लोग हमारे पास ज़्यादातर आते हैं वो शादी से जस्ट पहले आते हैं कि उनका खड़ा नहीं होता। आमतौर पर ये प्रॉब्लम, जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है जो यंग है, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उसके अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है यानी खड़ा ना होने की प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल है। उसने कभी किसी फ्रेंड के साथ किया या उसे कहीं मौका मिला, उसने करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई या वो नर्वस हो गया और उसको वहाँ पे इरेक्शन नहीं मिली। उससे उसके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरा तो खड़ा ही नहीं होता, और एक डर बैठ जाता है। अब उसके बाद वो दोबारा भी कभी कोशिश करता है, कुछ करता है, तो वो डर के कारण उसकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर खड़ा नहीं होता। तो वो शादी से पहले बहुत घबराए होते हैं कि हम कैसे करेंगे, और शादी के बाद भी जब ये लोग ज़बरदस्ती घर वाले मान लो शादी करा दें या आप कर लो, तो ये प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। ऐसे केसेस में कोई बीमारी नहीं है, ना नसें भी ठीक हैं, खून ले जाने वाली नाड़ियाँ भी ठीक है लिंग को, लेकिन एक मन में डर है। तो ये केस यंग पेशेंट्स में ये केस ज़्यादातर होते हैं और आमतौर पे बहुत कॉमन है। सेकंड एक केस कॉमन होता है जब थोड़ा ओल्ड एज होती है या डायबिटीज़ हो गई है किसी को या हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें नसों की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लेकिन ये उनके अंदर कोई हिस्ट्री होगी, या तो हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होगी, मतलब दिल की बीमारी की कोई हिस्ट्री होगी, या शुगर की कोई हिस्ट्री होगी। तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। हार्ट के पेशेंट्स को आमतौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, क्योंकि जो हमारे लिंग को जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं या खून की नलियाँ हैं, वो जो हार्ट को जाती हैं, दोनों का सेम साइज़ होता है। तो अगर देखा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई है, तो ये लिंग की नसें भी ब्लॉक हो चुकी होती है। और आमतौर पर लिंग की नसें हार्ट की नसों से एक दो साल पहले ब्लॉक हो जाती है। तो अगर कोई आपके पास इस तरह का मरीज आता है, या आपको इस एज में थोड़ी 40 के बाद खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो अपने हार्ट की भी जाँच ज़रूर करानी चाहिए। तीसरी इसमें एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट को या कोई नसों की बीमारी होती है, लेकिन वो आमतौर पर बहुत अनकॉमन है कि कोई
रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या कोई चोट लग गई है तो उसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो जब भी ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, तो हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में है। तो अगर वो यंग है, जो कि सबसे कॉमन है यंग एज में, क्योंकि ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो अगर डायबिटीज़ है और हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। हार्ट की तो उनको इस हार्ट की मेडिसिंस भी लेंगे और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आज ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन यंग केसेस में होते हैं, कि अगर कोई यंग पेशेंट आता है तो उसमें क्या करने की ज़रूरत होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई यंग पेशेंट आ रहा है आपके पास इस प्रॉब्लम के साथ, तो फिर आप सबसे पहले कोई टेस्ट कराने से पहले हम उनको मेडिसिंस दे देते हैं। अगर कोई छोटी मोटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उस पेशेंट में और छोटी सी ही प्रॉब्लम है या कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन दवाइयों से रिस्पॉन्ड कर जाता है। ये दवाइयाँ सिलडेनाफिल, टैडाफिल के नाम से आती है, और धीरे धीरे जब वो सेक्स करता है, उससे इरेक्शन उसको अचीव कर लेता है, तो फिर हम उसको नई टैबलेट्स पे उस टैबलेट्स पे डाल देते हैं, और धीरे धीरे जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो हम उस टैबलेट को टेपर ऑफ कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। लेकिन ये टैबलेट अपने आप कभी ना लें, क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनकी क्या सही डोज लेनी है वो आप डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से जान पूछ कर, उनसे बात करके ही लें। अगर ये सब नॉर्मल है, अगर इससे पेशेंट नॉर्मल होता है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मरीज़ को, तो हमें मरीज़ के टेस्ट कराने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसमें हम उनका हार्मोन लेवल देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखना चाहिए, थायराइड का लेवल देखा जाता है, और प्रोलैक्टिन का, कि पेशेंट कितने स्ट्रेस में तो नहीं है, उन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। तो अगर इन दोनों करने से पेशेंट ट्रीट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो इससे भी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है या इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आजकल कई थेरेपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम वैक्यूम थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पेशेंट उसमें थोड़ा वो होता है कि सेक्स से पहले आदमी को अपने पेनिस पे वैक्यूम लगाना पड़ता है। दूसरी थेरेपी है पी शॉट है, जिसमें कि हम आदमी उनका आपका ब्लड लेके, उस ब्लड से जो ताकत वाला ब्लड है या येलो कलर ब्लड है, उसको अलग कर लेते हैं और उसको पेनिस में इंजेक्ट करते हैं। इससे बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत फ़ायदा करता है, यानी लंग को खड़ा करने में फ़ायदा करता है। थोड़ा बहुत उसका साइज़ बढ़ा भी देता है, उसको मोटा भी कर देता है और नसों को भी फुला देता है। तो ये एक नई थेरेपी है जिसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, और एक नई थेरेपी आई है जिसको कहते हैं शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी में क्या है, बेसिकली ये पहले किडनी के स्टोन्स को तोड़ने के लिए, आपको याद होगा हम कहते हैं कि मशीन द्वारा किडनी के स्टोन तोड़े जाते हैं, ये वही मशीन है, लेकिन उसमें जो एनर्जी है वो थोड़ी कम दी जाती है। तो उस कारण से जब उसको लिंग पे बार बार हम पास करते हैं, तो उससे वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं लिंग के अंदर, उनको वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये जो खड़े होने की समस्या है, खड़े ना होने की समस्या है, वो ठीक देखी गई है कि ठीक हो जाती है, और इसके बड़े अच्छे रिस्पॉन्स है। तो इन सब हम थेरेपीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, अगर सिर्फ दवाइयों से आपको रिस्पॉन्स ना हो। ये सब नॉन ऑपरेशनल थेरेपीज़ हैं, आजकल बहुत कॉमन है, और इनके सभी के काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। ये लेटेस्ट पिछले कुछ सालों में ये सब चीज़ें आई हैं। अगर आपको इन किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसा केस है कि डायबिटीज़ भी है, हार्ट डिजीज़ भी हो गई है, या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम चली जा रही है, ना दवाइयों से फ़र्क पड़ रहा है, ना आपको पीआरपी से, ना शॉक वेव से, ना वैक्यूम थेरेपी से, तो फिर लास्ट बचता है इम्प्लांटेबल इम्प्लांट्स, पिनाइल इम्प्लांट्स। इसमें इंडियन मेड इम्प्लांट्स इंडिया में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत अच्छे इम्प्लांट्स हैं। उसमें यह क्या है कि दो सिलिकॉन की रोड आपके पेनिस में डाल दी जाती है, जो उसको खड़ा रखती है, उससे आप सेक्स कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप जितनी मर्जी देर सेक्स कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक दो महीने मिनट करना है, पाँच मिनट, दस मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जितना मर्जी सेक्स कर सकते हैं। और जब आप उसका आपका उससे मन भर जाए तो आप, और इजेकुलेट हो जाए, और जब मन भर जाए तो आप उस पेनिस को, अपने पेनिस को निकाल के, और फिर उसको मोल्ड ऊपर की ओर या नीचे की ओर ऐसे मोड़ सकते हैं, तो वो हमेशा इरेक्ट रहता है। लेकिन जब आपने कपड़ों के नीचे पहना है, तो उसे ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर अपने अंडरवियर में डाल सकते हैं, और जब आपको सेक्स करना है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये एक अल्टीमेट थेरेपी है कि जो जिसको किसी भी चीज़ का असर नहीं आ रहा, उसके लिए थेरेपी है। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो यंग लोग हैं, उनको
एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ये ब्लड वेसल की है। जैसे हार्ट के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने बता दिया, लेकिन एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके शरीर के लिए, आपके लिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप योगा कर सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, और आप जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जिम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम में जाते हैं, और आजकल बड़ा कॉमन है कि वहाँ पर जिम में मसल्स बनाने के लिए, क्योंकि जब तक मसल नहीं होती आप में एक तरह का शो ऑफ करने की होती है, मज़ा नहीं आता। तो अगर आप एक्सरसाइज करें लेकिन मसल बनाने के लिए कोई वे प्रोटीन, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कोई इंजेक्शन, कोई स्टीरोइड ना लें। जिम इंस्ट्रक्टर आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब में देख के साइंटिफिक हो गए हैं और अपनी तरफ से इंजेक्शन लगाते रहते हैं और वे प्रोटीन दे देते हैं। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके हार्मोन को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो अगर आप जिम कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्स ना लें, आप नॉर्मल खाना खाएं तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने सप्लीमेंट लिए तो सूनर और लेटर ये आपके अंदर के हार्मोन के लेवल को चेंज करेगा, और वो कहेंगे नहीं वे प्रोटीन का भी कोई नुकसान नहीं है। नहीं, आपने नहीं लेना है। अगर आपने प्रोटीन के लिए कुछ खाना है तो आप नेचुरल फूड्स खाएं, आप अंडे खाएं, आप दूध पिए, आप पनीर खाएं, आप दाल खाएं, आप चिकन खाएं, आप मटन खाएं, जो भी आपने खाना है खाएं। लेकिन आपने कोई भी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ लोगे तो उसका हमेशा नुकसान होगा। ये जो वे प्रोटीन होता है ये बहुत ही नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, इसके अंदर ये स्टेरॉइड्स भी डलते हैं, और प्रोटीन का वैसे भी इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन किडनी को डैमेज करता है। अगर तो आप इससे बचने के लिए, ये मेरी सलाह है कि आप इसको ना लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।